अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपको मिलने वाला है लाइट स्लीक पैनल जो कि 100 फाइल पे है और हर फाइल का एक ही रेगोल्यूशन में साइज़ है, एक ही रेगोल्यूशन है हर फाइल का। और ये बेसिकली जो फोटोग्राफर्स लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेटर है। 6000x4000 इसका साइज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा है और सब भी फाइल इतने ही रेगोल्यूशन की हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनका कैसे यूज़ करना है। मैं एक को ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, इसको ही मैंने ड्रैग किया फोटोशॉप में यहाँ पे, और ये फाइल ओपन होगी। और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, पहले इसका मैं साइज डाउन कर लूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10x12x80। ओके, ये रहा। और अब मैं तस्वीर को ही ओपन करता हूँ जिस पे ये मैं एडजस्ट करूँ। इस तस्वीर को ही मैं ले लेता हूँ ओपन, और इसको मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करता हूँ ऐसे। तो इसका साइज जो है वो कम था लेकिन कोई बात नहीं, इंटर। और यहाँ पे जाएंगे आप लेयर्स में, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं इसका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। और इसको आपने रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं इस साइड से, ऐसे ये रहा। और ऐसे इसी फोटो पे आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एज यू विश, जो ग्राफर्स लोग हैं या एडिटर लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही कमाल का डेटा होने वाला है। इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये रहा। और इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ, फ्लिप किया मैंने यहाँ से ऐसे, और इसका साइज थोड़ा डाउन कर देता हूँ 2000। ये फाइल हैवी है इसलिए जो स्लो हो रहा है, 2000। ओके, और ड्रैग किया मैंने यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ नाउ। स्क्रीन ये देख सकते हैं उसका इफेक्ट ऐसे, ऐसे आप अपनी मर्जी से अपनी तस्वीर पे कोई एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसी तस्वीरों पे आप अप्लाई करें, मैं किसी और तस्वीर को अप्लाई करके देखता हूँ। इस फाइल को मैंने पिक कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट एल, थोड़ी सी चेंजिंग आई इसमें। और अब इस पर अप्लाई करता हूँ मैं ये ब्लू सा, ट्रैक किया मैंने यहाँ पे, और इसका साइज मैं कर देता हूँ कम, इसका साइज करता हूँ मैं 3000। ओके, ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, और ये ऑलरेडी तस्वीर जो थी वो कम रेगुलेशन की थी लेकिन कोई बात नहीं। नॉर्मल पे गया, स्क्रीन यहाँ देखें आप, ये इफेक्ट ऐसे, और इसके साथ मैं दूसरा इफेक्ट भी यूज़ कर देता हूँ, ये वाला ओपन विद फोटोशॉप। और इसका सॉरी साइज जो है वो डाउन करना मैंने 2000। ओके, और स्क्रीन यहाँ पे
फिर से। इनका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जो पीछे बैकग्राउंड था उसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस किया मैंने और ये देख सकते हैं आप ऐसे। ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे लाइट रूम में जो काम हो रहा है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो प्लग यूज़ कर रहे हैं ऐसे एग्जांपल के लिए। और इसकी मज़ीद इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लाइटनेस जो है वो आप अप डाउन कर सकते हैं इसकी। सो एंड सो ओके। अब एक लास्ट पिक्स में मैं ये अप्लाई करूँगा। सो लास्ट फाइल किसको मैं अप्लाई करूँगा, इसको ही अप्लाई करता हूँ मैं फोटोशॉप। ये मेरे फोटोशॉप में कोई इशू बना हुआ है तो एरर आ रहा है ये। सो इसका साइज़ मैं डाउन कर देता हूँ 2000। ओके और फाइल ओपन करता हूँ मैं। फाइल इसको ही मैं ओपन कर देता हूँ। ये रही और इसका मैं साइज डाउन करता हूँ, सॉरी जूम आउट करता हूँ और ड्रैग किया मैंने ऐसे और स्क्रीन पे क्लिक किया। ये रहा इफेक्ट इसका और ऐसे कर लें यहाँ से। अब इसका आप कलर चेंज करते हैं क्योंकि इसका कलर जो है वो येलो येलो सा है और यहाँ पे इसके जो हेयर नज़र आ रहे हैं वो लाइट ब्लू से हैं। सो हम ट्राई करते हैं इसके साथ मैच हो जाए। ये रहा नो ऐसे। और यहाँ बैकग्राउंड के रिलेटेड जो भी आप कलर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।